ख्याल है यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो वजाहत तलब है। सुन रहा हूँ, क्या कोई कुछ बताएगा? वाही हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सुलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। लेकिन ये बहनो ज़ुलैखा थी जो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा है कि यूसुफ गलत इरादे से बानो ज़ुलैखा के कमरे में दाखिल हुआ। आली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामोज के तहफ़ की है। जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक में ही फैसला देंगे, किसी और में भी बानो ज़ुलैखा के खिलाफ शहादत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाए। मेरे गुस्से को मजीद हवा मत दो, अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्जाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा की कोई गवाह नहीं। तुम ज़ुलैखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाह देने की जुर्रत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसके रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। युजार सीफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। उबाले दो ना मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा शाहिद है। कहाँ है? तुम्हारा गवाह कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो ना मुझे पहचानता है जो मेरी हिमायत करे, और ना ही बानो को की दुश्मनी करे। वो तोते की तरह फरफर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे ये रिश्तेदार भी बानो ज़ुलैखा का है, यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तजा करता हूँ मेरी इन तमाम तर खिदमात के खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। एक नौजायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए। आप
वाली जनाब पोटीफार। ये रही मेरी भुपीजा सतीना और ये है कसीम। कहो के गवाही दे। कसीम कलाम करो, जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कसीम कलाम करो। हुक्म खालिके यक्ता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुत्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानू बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुत्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानू कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। तुमने किस तरह बात की मेरे बच्चे? आंसुओं से मुझे फरेब लेना चाहती थी? बेशक ये तुम औरतों का मकर है, और तुम्हारा मकर बड़ा मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और जुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजरे को हमेशा के लिए इसी हरास में रखोगे। किसी और को भी इस वाक्य को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक्य को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा।